गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी शैल रीड लेसन नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस फ्रॉम योर बुक मोमेंट। इन दिस लेसन हैप्पी प्रिंस व्हेन ही वाज अलाइव ही वाज अ वेरी हैप्पी प्रिंस एंडेड ही वाज हैप्पी बट आफ्टर हिज डेथ व्हेन ही वॉच्ड द पीपल इन सफरिंग ही बिकेम वेरी सैड एंड ए स्वालो बर्ड व्हिच वाज flying over his head then later set under his near his feet who wanted to go to Egypt. He asked him to help the poor people. He asked him to take his spires and give it to the poor people. So many things from his body, like his gold layer, his fires and ruby, all he had given away to remove the suffering of the poor people. So in the story we will see the sensitive nature of the happy prince. So let's read it out. Happy prince was a beautiful statue. Ye ek badi sundar statue thi. He was कवर्ड अप विद गोल्ड, गोल्ड से, गोल्ड की जो लेयर से इसको ढक रखा था, कवर अप कर रखा था। ही हैड स्पायर्स फॉर आईज, और आँखों में उसकी नील मणियाँ थी, स्पायर्स थी, एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसकी तलवार जो थी उसमें एक रूबी थी, लाल मणि थी। व्हाई डिड ही वांट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स, वो अपनी जो बहुमूल्य चीज़ों से अलग क्यों होना चाहता है। सो लेट्स रीड इट आउट इन द लेसन। हाई अबव द सिटी ऑन ए टाल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, नगर की एक ऊंची सी स्तंभ के ऊपर कॉलम पे हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति प्रतिमा लगा रखी थी, इंस्टॉल कर रखी थी। ही वॉज ग्लाइडेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, और उसके ऊपर सोने की सुंदर पतली जो परत होती है, लेयर होती है, उसकी जो सोने की जो लेयर होती है, गोल्ड लेयर, वो उस पर चढ़ा रखी थी स्टैचू पे। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट स्पायर्स, और आँखों में उसकी दो नील मणियाँ थी, एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और जो स्वॉर्ड तलवार का जो हत्था होता है उसमें एक रूबी, रेड रूबी थी वहाँ पे, लाल मणि थी, और वो ग्लो कर रही थी, चमक रही थी। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटल स्वैलो, एक रात उस शहर के ऊपर से एक छोटा सा स्वैलो बर्ड वहाँ पे फ्लाई करता है, उड़ता हुआ आता है। हिज फ्रेंड हैड गोन अवे टू इजिप्ट 6 वीक बिफोर, उसके जो मित्र थे बाकी वो इजिप्ट की तरफ, मिस्र की तरफ चले जाते हैं 6 सप्ताह पहले। But he had stayed behind, लेकिन वो अकेला पीछे रह जाता है। Then he decided to go to Egypt too, और वो खुद भी decision लेता है कि उसे भी Egypt चला जाना चाहिए, वो जाना चाहता है। All day long, पूरे दिन he flew, वह उड़ता रहता है, and at night time he arrived at the city, और शाम के वक्त, रात के वक्त वो सिटी में आ जाता है। Where shall I put up? अब वो अपने आप से कहता, he said, swallow bird कहता कि मैं कहाँ ठहरूँगा, कहाँ रुकूँगा। I hope the town has made preparation. वो कहता कि टाउन ने, शहर के लोगों ने सोने की सारी जो प्रिपरेशन थी, बिकॉज इट वॉज विंटर सीजन, तो उन्होंने प्रिपरेशन, दे हैव मेड, द सिटी पीपल हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट फॉर स्लीपिंग टू गो टू बेड। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन टाल कॉलम, फिर वो एक बड़े से स्तंभ के ऊपर एक टाल स्टैचू, एक मूर्ति देखता है। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, वह चिल्लाया कि मैं यहाँ पे ठहरूंगा। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये फाइन पोजिशन, यहाँ पे ये अच्छी जगह है, और प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यहाँ पे एक ताज़ा हवा भी मिलेगी। सो अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फिट ऑफ हैप्पी प्रिंस, और ठीक वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में उड़ता हुआ नीचे आ जाता है। आई हैव गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, और अपने आप को उसने कहा
गोल्डन बेडरूम, मेरा जो बेडरूम है वो सोने का बना हुआ है, बिकॉज द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वॉज मेड ऑफ गोल्ड, द लेयर ऑफ गोल्ड. He softly said to himself as he looked around and he prepared to go to sleep. उसने चारों तरफ देखकर सोने की तैयारी की तो ये बात उसने कही कि मेरा बेडरूम तो गोल्डन बेडरूम है. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. जो ही वो अपना सिर अपने पंखों में, because it was winter season, और अपने आप को वार्म अप करने के लिए उसने अपना जो हेड था सिर अपने पंखों में देने की उसने जो ही कोशिश की, बड़े वो पानी की एक ड्रॉपलेट उसके ऊपर आ गिरी. बड़े क्यूरियस थिंग्स, उसको लगा बड़ी अजीब चीज़ है, ये कहाँ से आई. ही क्राइड, वो चिल्लाया, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई. अब उसने ही लुक्ड अप द स्काई, क्या देखा कि कोई क्लाउड नहीं है, क्लियर है वेदर. द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, तारे ट्विंकलिंग कर रहे हैं और ब्राइट हैं. एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी इसके बावजूद भी ओपन वेदर है, क्लियर स्काई है, तो ये बूंद कहाँ से, ड्रॉपलेट वाटर जो ड्रॉप थे वो कहाँ से आई. देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और बूंद गिरती है. वट इज़ द यूज ऑफ स्टेचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ हिज साइड. अब उसने अपने आप को कहा कि इस मूर्ति का, इस प्रतिमा का क्या फ़ायदा अगर ये बारिश को भी नहीं रोक पाई तो. आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे. मुझे कोई ऊंची जो चिमनी होती है उसके ऊपर जाके सोना पड़ेगा, उसने उड़ने का निश्चय किया. बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स ए थर्ड ड्रॉप फेल. जो ही उसने फ्लाई करने की सोची तो एक और ड्रॉप उसके ऊपर गिरती है. एंड ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा एंड सा, आह व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा. द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी पड़ी थी. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और आंसू उसकी आंखों से, उसकी जो स्वर्णिम आंखें थी, सोने की जो चिक्स थे, सोने के मेड ऑफ गोल्ड, उसके ऊपर से रोलिंग करते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. अब जो उसका moonlight में जो उसका face था वो बड़ा सुंदर लगा swallow को, और उसको देख के, face को देख के, happy prince के face को देख के swallow bird को pity दया आ गई. Who are you? He said. उसने कहा आप कौन हैं. I am happy prince. Happy prince ने reply किया कि मैं happy prince हूँ. Why are you weeping then? अब उसने asked the swallow. Swallow bird ने उससे पूछा कि आप फिर रो क्यों रहे हैं, हैप्पी प्रिंस है तो. यू आर क्वाइट ड्रेंस मी, और आपने मुझे बिल्कुल भिगो भी दिया है. व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड ह्यूमन हार्ट, आंसर्ड द स्टैचू, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर फॉर, आई लिव्ड इन ए पैलेस वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर. माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इनडीड आई वाज. अब जो हैप्पी प्रिंस है उसने रिप्लाई किया कि व्हेन आई अलाइव, जब मैं जिंदा था और मेरा जो हार्ट ह्यूमन था तो मुझे पता नहीं था कि दुख क्या होता है. मैं महलों में रहता था और दुख की वहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं थी. वो कोर्टियर्स जो दरबारी लोग थे कहता मुझे एक हैप्पी प्रिंस कह के बुलाते थे, भाई ये राजकुमार खुश रहता है, हैप्पी है. और वास्तव में हैप्पी प्रिंस कहता है कि मैं था भी हैप्पी. So I lived and so I died. और कहता मैं वैसे ही हैप्पी रहा और मरा भी खुशी खुशी. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the miseries of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. अब कहता है हैप्पी प्रिंस कि जब मैं अलाइव था तो काफ़ी हैप्पी था, और कॉर्टियर्स जो थे दरबारी उसको हैप्पी कहते थे, और वास्तव में था भी. और आई लिव्ड, और मैं ऐसे ही रहा, ऐसे खुशी खुशी मरा. और अब क्योंकि मैं मर गया हूँ तो उन्होंने मुझे वहाँ यहाँ पे हाई जो वॉल्यूम कॉलम है, उच्च स्तंभ, उसके ऊपर यहाँ पे मुझे इंस्टॉल कर दिया है, ताकि मैं सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस, और मैं
आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल मिजरी ऑफ माई सिटी, मैं अपने शहर की सारी जो क्रूरता देखूँ और लोगों के दर्द को दुख को देखूँ यहाँ से इतनी हाइट से। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड, क्योंकि शीशे का है मेरा हृदय दिल, उसके बावजूद भी आई कैन चूज बट वीप, मैं कुछ कर नहीं सकता रोने के सिवाय। वट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, अब उसने पूछा क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है स्वेलो बर्ड ने। सेट द स्वेलो टू हिमसेल्फ, स्वेलो ने अपने आप को कहा, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, वो इतना पोलाइट था कि उसके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता था। फार अवे कंटिन्यूड द स्टेचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, वो देखो दूर उसने अपने म्यूजिकल वॉइस में ये कहना जारी रखा। फार अवे इन ए लिटल स्ट्रीट देयर इज़ ए पुअर हाउस, वो लिटल स्ट्रीट एक छोटी सी गले में देखो एक गरीब सा घर है, गरीब लोग रहते हैं। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, एक विंडो वहाँ पे खुली हुई है। दो इट थ्रू इट आई कैन सी ए वुमेन सीटेड एट द टेबल, और इसमें से इस ओपन विंडो में से मैं एक महिला को देख सकता हूँ जो वहाँ पे बैठी हुई टेबल पे। हर फेस इज थिन एंड वॉर्म, उसका जो फेस है पतला है थिन है और वॉर्म थका हुआ है। एंड सी हैज कोर्स रेड हैंड्स, और उसके कोर्स रेड हैंड है, उसके जो हाथ हैं वो काफ़ी कोर्स मीन्स भद्दे टाइप के हैं, मीन्स नॉट अट्रैक्टिव, रूखे हैं, कोर्स रूखे हैं। एंड ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, और जो ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल फोर सीज से सिम स्ट्रेस, और उसके हाथों में जो कहता है कि जो नीडल सुई उसकी चुभती है क्योंकि वो एक सेम स्ट्रेस है, वो एक दर्जन है, सिलाई का काम करती है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए साटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल, हम कहते हैं कि वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, वो कढ़ाई का काम कर रही है, उसके ऊपर फ्लावर बना रही है साटिन क्लॉथ के ऊपर, गाउन के ऊपर। फॉर द लवलीस्ट क्वींस मेड, और जो क्वीन जो रानी थी उसकी लवलीस्ट सबसे प्यारी मेड जो कि उसकी नौकरानी थी, ऑफ ओनर उसका वेलकम करने के लिए जो आनी थी उसके लिए एक फ्लावर एम्ब्रॉयड करना उसके ऊपर साटिन क्लॉथ पे। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल, जो अगला समारोह होगा उसके लिए। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, बेड के ऊपर कॉर्नर में एक रूम में, हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, एक बेड के ऊपर उसका बच्चा भी लेटा हुआ जो कि बीमार है। ही हैज फीवर, उसको बुखार है। एंड ही इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी मम्मी से कहता है कि उसको ऑरेंज दे दे खाने के लिए। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी मम्मी के पास कुछ नहीं है देने के लिए, खाली नदी का पानी है, रिवर वाटर है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है बच्चा, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड, स्वॉर्ड टिल्ट माई फिट आर फैशन टू दिस पेडेस्ट्रल एंड आई कैन नॉट मूव, अब वो लिटिल स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है हैप्पी प्रिंस कि मेरी जो रूबी है स्वॉर्ड में जो रेड रूबी, उसको आप उस महिला को दे आओ क्योंकि मैं तो इस पेडेस्टल के साथ बंधा हुआ हूँ, जो ये चबूतरा है यहाँ पे, ये जो कॉलम है स्तंभ है इसके साथ में बंधा हुआ हूँ और मैं हिल डुल नहीं सकता, इसलिए तुम जाओ और उस दुखी पीड़ित महिला को जिसका बच्चा बीमार है उसको जाके रेड रूबी जो मेरी तलवार में है इसको उसको दे के आ जाओ। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो, अब स्वेलो ने कहा कि मेरा इजिप्ट में मिस्र में इंतज़ार किया जा रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप, अब कहता कि माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, नील नदी जो कि मिस्र में है इजिप्ट में है उसके ऊपर कहता है मेरे फ्रेंड्स ऊपर नीचे मीन्स फ्लाइंग करेंगे उड़ रहे होंगे। एंड टॉकिंग टू लार्ज लोटस फ्लावर्स, और लोटस फ्लावर कमल के फूलों के बारे में वो बातें कर रहे होंगे। सून दे विल गो टू स्लीप, और वो जल्दी ही सोने के लिए चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क द स्वेलो टू स्टे विद हिम
फॉर वन नाइट। अब प्रिंस ने उस स्वेलो बर्ड से रिक्वेस्ट की कि एक रात उसके साथ रहें एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका जो संदेशवाहक बनने के लिए उसने रिक्वेस्ट किया। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड। हैवी प्रिंस ने कहा कि बॉय इज थर्स्टी, जो लड़का है वो बड़ा प्यासा है और मदर भी काफ़ी दुखी है, तो तुम मेरी हेल्प करो। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर द स्वेलो। स्वेलो ने कहा कि मेरे ख्याल से मैं बच्चे को पसंद नहीं करता। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड एंड द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, और हैप्पी प्रिंस काफ़ी दुखी था और इसको देखकर स्वेलो बर्ड को भी काफ़ी दुख हुआ। इट्स वेरी कोल्ड हियर, ही सैड, बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। फिर जो हैप्पी प्रिंस की जो मनोस्थिति थी, मेंटल पोजिशन, बिकॉज ही वॉज सैड टू सी द सैडनेस ऑफ द पीपल ऑफ हिज सिटी ऑफ हिज कंट्री, इस पर उसने रिक्वेस्ट किया स्वेलो बर्ड से। तो स्वेलो बर्ड ने ही स्वेलो बर्ड्स एग्री टू हेल्प हिम एंड बी हिज मैसेंजर फॉर वन नाइट। थैंक यू लिटल स्वेलो, सेड द प्रिंस, ने उसका धन्यवाद किया। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, प्रिंस की स्वॉर्ड से उन्होंने वो जो रूबी थी, रेड रूबी, लाल मणि, उसने ली एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। शहर की छतों से होता हुआ वो उसने रेड रूबी ली और उड़ता हुआ चला गया। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल्स एंजल्स वर स्कल्पचर्स। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। द ब्यूटिफुल गर्ल्स केम आउट ऑन द बैल्कनी विद हर लवर। वह स्वेलो बर्ड जो होता है वो गिरजाघर के जो मीनार होते हैं उनके पास से गुजरा और जहाँ पे सफ़ेद जो संगमरमर यानी मार्बल के जो देवदूत एंजल खड़े हुए थे वहाँ से वो गुजरा और वह महल के पास से गुजरता है जहाँ पे नृत्य की डांसिंग की साउंड प्रोड्यूस होती है और एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ बैल्कनी यानी छज्जे की तरफ आती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, सी सेड। अब उसने कहा कि मुझे आशा है कि शाही पोशाक, जो मेरी पोशाक है, जो शाही नृत्य है, जो कि स्टेट बाल होगा, उसके उस वो जो होगा तब तक रेडी हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, और मैंने इसके ऊपर फ्लावर्स की कढ़ाई का भी आदेश दे दिया है, ऑर्डर दे दिया। बट द सेम स्ट्रेसेस आर सो लेजी, लेकिन जो दर्जिन है इसको सिलाई करने वाली वो बड़ी लेजी है और इसी कारण से ये डिले है। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सा द लाल ट्रेन हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप। वह नदी के ऊपर से गुजरा और जहाज़ों के जो मस्तूल होते हैं उनसे लटकते हुए लालटने दिखाई दी। लालटने वहाँ पे शिप्स के ऊपर उसने हैंग कर रखी थी लोगों ने। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, वो जो गरीब महिला सेम स्ट्रेस होते उसके घर के पास आता है और अंदर देखता। द बॉय वॉज टोजिंग फेवरसली ऑन हिज बेड, बच्चा बुखार से पीड़ित था और बेड के ऊपर वो इधर उधर टोजिंग कर रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और मदर उसकी सो गई थी। सो ही सी वॉज सो टायर्ड, वो दिन भर काम करके थक गई बेचारी। सो सी स्लेप्ट अर्ली। इन ही होप्ड, इन अंदर वो होप्ड उछल के गया, कौन, स्वेलो बर्ड, एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। वो लेड द ग्रेट रूबी टेबल के साथ में पास में थिम्बल जो होता है उसके पास उसने रेड रूबी रख दी। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फॉर हेड विद हिज विंग्स, और बच्चे के पास गया, बीमार बच्चे के पास वो, और उसने फैनिंग अपने पंखों को फड़फड़ाया जैसे पंखा चला दिया हो। फिर हाउ कूल आई फील, सैड द बॉय। अब बच्चे को थोड़ी सी राहत मिली, रिलीफ मिला। उसने बच्चे ने कहा कि हाउ कूल आई फील, मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, कूल ठंडा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, अब मैं ठीक हो रहा हूँ।
एंड ही सैंक इनटू द डिलीशियस स्लम्बर, और जो बच्चा होता है वो डिलीशियस स्लम्बर में यानी कि एक आनंदमय नींद में वो बच्चा चला जाता है। सो स्टूडेंट टुडे आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन विल बी टॉट टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ग्रेट डे।